हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। दिस इज़ मिसिंग सेलिब्रिटीज़ का न्यू एपिसोड। एंड आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस इंडस्ट्री से ब्रेक लेके। एंड शी इज़ सोनाक्षी सिन्हा। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। सोनाक्षी का बॉलीवुड डेब्यू जो था ना, वो यू कांट डिनाई के प्रिविलेज्ड वे में हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा की डॉटर एंड पहली मूवी उसे सलमान खान के साथ मिली। इन अ वे इट वॉज ऑल प्लान्ड आउट फॉर हर। 2010 में जब दबंग फिल्म आई थी तब सोनाक्षी 23 ईयर्स की थी। ये फिल्म में उसे देख के ऑडियंस उससे काफ़ी इम्प्रेस हुई। शी गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। हर इनोसेंस वॉज समथिंग जो लोगों को पसंद आया। एंड दबंग ये फिल्म मैसिव हिट भी थी। एंड तभी सलमान खान का क्रेज नेक्स्ट लेवल था, तो हिज फैंस वर शावरिंग लव ऑन सोनाक्षी सिन्हा टू। पर ये इंडस्ट्री ऐसी है कि लोग यहाँ परफेक्शन के इतने ज़्यादा दीवाने हैं दैट दे टेंड टू फॉरगेट कि नो वन इज़ परफेक्ट। तो जैसे ही सोनाक्षी की और कुछ फिल्में रिलीज होने लगी, जैसे राउडी राठौर, देन जोकर, उसके बाद ऑडियंस सोनाक्षी को और नोटिस करने लगी। एंड क्योंकि जोकर फिल्म फ्लॉप गई, तो उस वक्त फिल्म का मजाक उड़ाते उड़ाते लोगों ने सोनाक्षी पे भी मीम बनाना शुरू कर दिया। सोनाक्षी के फोरहेड का मजाक उड़ाया गया, सेइंग दैट कि फोरहेड इतना बड़ा है कि यहाँ क्रिकेट खेला जा सकता है। फिर सोनाक्षी के नोज पे बात किया गया, लाइक आई नो मीम्स आर फनी एंड ऑल, बट आई फील किसी के फेस पे या किसी के फीचर का मजाक उड़ाना फनी नहीं है, बल्कि बुलिंग कहते हैं उसे। एक पर्सन कैसा दिखता है उस पे अगर आप मजाक उड़ा रहे हो, देन दैट इज मीन। हाँ, कोई स्टेटमेंट है या कोई लाइन है विच इज जेन्युइनली फनी, तो वो मीम देखने में मजा भी आता है। जैसे ये वाला मीम हो गया, बे साले, इसमें नो वन इज गेटिंग हर्ट। पर हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये सब सोनाक्षी के साथ हुआ है। बट वन थिंग दैट आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड अबाउट हर इज दैट कि सोनाक्षी ने कभी खुद को चेंज करने का ट्राई नहीं किया है ये सब की वजह से। उसकी वेट को लेके भी लोगों ने कई कमेंट्स किए, बट कभी सोनाक्षी उस टॉक्सिसिटी के लूप में फंसती हुई नहीं दिखाई दी। हाँ, फिट रहने के लिए शी गोज टू जिम, बट नेवर वंस शी हैज फॉलोड एनी रूटीन फॉर एक्सेसिव वेट लॉस, विच इज एक्चुअली अमेजिंग। सोनाक्षी का हाइट काफी अच्छा है, तो हाइट के हिसाब से हर वेट इज एक्चुअली फाइन। एंड सोनाक्षी हैज ऑलवेज एम्ब्रेस्ड इट। ऑल्सो इनिशियल ईयर्स में जो सोनाक्षी फिल्में कर रही थी वो अच्छी खासी चल रही थी, तो हेटर्स सभी क्या बोल रहे थे इससे सोनाक्षी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। बट देन एक वक्त आया जहाँ सोनाक्षी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देती जा रही थी। लुटेरा, बुलेट राजा, आर राजकुमार, एक्शन जैक्सन, तेवर, देन अकीरा, ये फिल्म मुझे पसंद आई थी, बट इसका वर्डिक्ट जो था ना वो फ्लॉप था। फिर फोर्स टू, नूर, इत्तफाक, वेलकम टू न्यूयॉर्क, हैप्पी फिर भाग जाएगी, कलंक, खानदानी शफाखाना, लाल कप्तान, सारी की सारी फिल्में वेंट फ्लॉप। बीच बीच में कुछ ऐसी फिल्में होती थी जो चल जाती, बट काफ़ी कम वैसी फिल्में थी। मेजॉरिटी ऑफ हर फिल्म्स एक्चुअली डिडंट वर्क, एंड आफ्टर सो मेनी फ्लॉप्स इट इज़ हार्ड टू मेक अ कमबैक। नाउ आई वोंट से कि सोनाक्षी इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस और एनीथिंग, बिकॉज आई फील हर एक्टिंग स्किल्स आर गुड बट नॉट दैट इम्प्रेसिव। पर एक्टिंग से ज़्यादा सोनाक्षी ने जिस तरह की फिल्में चूज की है ना, उस वजह से इट हैजंट वर्क फॉर हर। एंड बीच में केबीसी में भी जब सोनाक्षी गई थी तब काफ़ी उसके बारे में बात हुआ था, एंड ये लाइमलाइट उसके फेवर में बिल्कुल नहीं गया। अपेरेंटली रामायण से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया जिसका जवाब वो दे नहीं पाई। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? ऑप्शन रखूं, ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे? एंड पीपल वेर लाइक कि हाउ शी कैन नॉट नो दिस। हर फादर्स नेम इज शत्रुघ्न, भाइयों का नाम लवकुश है, यहाँ तक कि मैंशन जिसमें वो लोग रहते हैं उसका नाम रामायण है। स्टिल सोनाक्षी सेज कि हनुमान जी संजीवनी बूटी सीता जी के लिए लेके आए थे। सो ऑफकोर्स वो ऐसा मोमेंट था जो हिलेरियस था, पर इस वजह से सोनाक्षी ब्रूटली ट्रोल हुई थी। एंड अभी लास्ट फिल्म जो सोनाक्षी ने किया ना, वो दबंग 3 था 2019 में। एंड जस्ट उसके कुछ मंथ बाद भुज फिल्म भी रिलीज होने वाला था, पर लॉकडाउन के चलते रिलीज गॉट पोस्टपोन्ड एंड 2021 में इट गॉट रिलीज। तो टेक्निकली भुज एंड दबंग 3 ना साथ में कम्प्लीट हो चुका था, एंड 2019 के अराउंड उसका रिलीज था। सो अगर रिलीज डेट को कंसिडर ना करें तो देखा जाए तो 2019 के बाद से सोनाक्षी ने किसी और फिल्म की शूटिंग अभी तक की नहीं है। एंड इफ यू सी, ज्यादा कोई फिल्म में लाइंड अप भी नहीं है सोनाक्षी की जो रिलीज होने वाली है। प्लस आफ्टर अ पॉइंट व्हेन फिल्म मेकर्स आल्सो नोटिस कि बैक टू बैक कई फ्लॉप दिया है एक एक्ट्रेस ने, फिर उन्हें फिल्मों के लिए साइन करने में वो लोग भी हिचकिचाते हैं। तो सीम्स लाइक इफ सोनाक्षी वॉन्ट्स टू मेक अ कम बैक, देन शी नीड्स टू चूज अ फिल्म विद एन अमेजिंग स्टोरी लाइन, अदरवाइज इट विल बी हार्ड फॉर हर टू सस्टेन। एंड अभी रिसेंटली सो इजी नेल्स करके एक ब्रांड भी सोनाक्षी ने लॉन्च किया है। इस ब्रांड का हाइप क्रिएट करने के दौरान एक फोटो भी ऐसा रिलीज किया गया था सोनाक्षी का, जहाँ पे शी वॉज शोइंग हर फिंगर नेल्स। एंड उस फोटो में सोनाक्षी का जो रिंग था ना हाथ में, वो भी उभर के दिख रहा था। तो एवरीवन थॉट कि सोनाक्षी का एंगेजमेंट हो गया है, एंड एंगेजमेंट से रिलेटेड ये फोटो है, बट इट वॉज अ स्ट्रैटेजी सो दैट सो इजी के बारे में भी बात हो। एंड लेटर सोनाक्षी ने भी क्लेरिफाई किया सेइंग दैट कि मैं तो मेरे फिंगर नेल्स दिखा रही थी, अंगूठी नहीं।
एंड सीम्स लाइक शी इज रियली इन्वॉल्व विद सोईज इन नेल्स का होल प्रोसेस. तो दैट वॉज ऑल अबाउट सोनाक्षी's बॉलीवुड जर्नी. आई फील इवन द बॉलीवुड वॉज नेवर अनफेयर टूवर्ड्स हर, बट पीपल वेर. शी वॉज बुलीड फॉर हर लुक्स, फॉर हर वेट एंड फॉर हर बॉडी स्ट्रक्चर. वी कीप ऑन कंप्लेनिंग अबाउट बॉलीवुड, सेइंग दैट कि बॉलीवुड ने अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए हैं दुनिया के लिए. बट एवरीवन इज एट फॉल्ट हियर, सिर्फ बॉलीवुड नहीं. थोड़ा किसका बॉडी टाइप डिफरेंट क्यों ना हो, दैट पर्सन गेट्स पिक्ड अबाउट फॉर नॉट लुकिंग अ सर्टन वे. इमेजिन कॉन्स्टेंटली गेटिंग क्रिटिसाइज्ड फॉर योर फीचर्स, कितना डिप्रेसिंग होगा. एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.